देखिए वकील साहब, ये केस हमें हर हाल में जीतना है। अगर आप चाहें तो ब्लैंक चेक रखा है, जितना मन आप उतनी रकम इसमें डाल सकते हैं, लेकिन फैसला हमारे ही हक में होना चाहिए। रजत जी, द केस इज सो सिंपल, रिलैक्स, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप, दिमाग तो ठीक है आपका। अरे हम गलत जगह तो नहीं आ गए? ये वही आदमी है जिनके बारे में इतना कुछ सुने थे हम। आपने बिल्कुल ठीक सुना है और आप सही पते पर भी आए हैं, और मैं आपसे मजाक भी नहीं कर रहा। अगर मैंने आपसे कहा कि मैं चुटकी बजाते इस केस को सॉल्व कर दूंगा, तो मैं ऐसा ही करूंगा। सर समझाइए कैसे करेंगे आप। रजन जी, ये केस एक खुली किताब की तरह है, इसमें कुछ है ही नहीं। लिसन, निर्णय से एक्सीडेंट हुआ, इस डर और गिल्ट ने उसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया। वो अपने मन के हालात और अपने डर से बाहर नहीं निकल पाया। उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दिया, मौत का, और उसने आत्महत्या कर ली। तो इसमें कोई भी शामिल नहीं है, इसके जिम्मेदार है हालात, परिस्थितियां और स्वयं निमय, जो बेचारा बदनसीबी से इस दुनिया में नहीं है। तो इस खुली किताब को मैं कुछ इस तरह से बंद करूंगा, उसके बाद मुकदमा खारिज, आप बरी और हम सब खुश। सिंपल ना? तो आप चैन की सांस लीजिए, मैं सब कुछ देख रहा हूं।